नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं जानना हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई ताजा तरीन खबरों को। कर्ज के सहारे चल रही जयराम सरकार इस माह लेगी 1,000 करोड़ का ऋण। हिमाचल की जयराम सरकार एक बार फिर कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और विकास कार्यों के लिए कर्ज का सहारा लेगी। पहले से ही 60,000 करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ तले दबी प्रदेश सरकार इस माह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। ये पैसा प्रदेश के विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। इसको लेकर वित्त विभाग जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा। बताया जा रहा है कि पहले ये कर्ज मई माह में लिया जाना था, लेकिन सरकार की राजस्व प्राप्तियां ठीक रहने पर इसे आगे टाल दिया गया। एचपी कोरोना 327 मामले, 664 ठीक, 7 की गई जान। हिमाचल में कोरोना के 327 मामले आए, वहीं 664 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए, 7 की जान गई। हिमाचल में कुल आंकड़ा 1,98,877 पहुंच गया। अभी 4,433 एक्टिव केस हैं। अब तक 1,91,041 ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 3,382 है। कांगड़ा में 80, मंडी में 54, चंबा में 38, हमीरपुर में 37, शिमला में 28, बिलासपुर में 22, सिरमौर में 21, किन्नौर में 13, सोलन में 11, ऊना में 10, कुल्लू में 9 व लाहौल स्पीति में 4 मामले सामने आए। कोरोना की तीसरी लहर के लिए प्रदेश में अलर्ट समिति का गठन। कोविड 19 के संभावित तीसरी लहर को लेकर प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया। इसको लेकर सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। ये समिति डेटा विश्लेषण, अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुभवों और कोविड 19 की अगली लहर से निपटने के लिए योजना तैयार करने समेत वायरस के बदलते स्वरूप को देखते हुए परामर्श देगी। उच्च शिक्षा निदेशक बोले, जुलाई अंत तक घोषित होगा 10वीं और 12वीं का परिणाम। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में दाखिले 12वीं कक्षा का परिणाम निकलने के बाद से शुरू होंगे। जुलाई अंत तक 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित हो जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना संकट के चलते कॉलेजेस में इस वर्ष दाखिलों की प्रक्रिया में कुछ देरी जरूर होगी। विभाग का प्रयास है कि इस देरी को कम किया जाए। CBSE का 12वीं कक्षा के अंक निर्धारण का फॉर्मूला तैयार होने का इंतजार है। CBSE से गाइडलाइन जारी होते ही इस प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। अगस्त से कॉलेजेस में नया शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि 10वीं कक्षा का परिणाम तैयार किया जा रहा है। अप्रैल में हुई परीक्षा का मूल्यांकन किया जा रहा है। प्री बोर्ड सहित फर्स्ट, सेकेंड टर्म और प्रैक्टिकल के अंकों को एकत्र किया जा रहा है। हिमाचल में आने वालों की कोविड सॉफ्टवेयर से होगी निगरानी, SOP का सख्ती से होगा पालन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरे देश में अंतर्राज्यीय आवाजाही की अनुमति दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में आने वाले लोगों की कोविड पास सॉफ्टवेयर में पंजीकरण के माध्यम से निगरानी की जाएगी। प्रदेश में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए RT-PCR आवश्यकता की शर्त हटा दी है, लेकिन कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सरकार के निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने की अनुमति किसी को नहीं है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि राज्य में प्रवेश के लिए लोगों को अब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में विवरण दर्ज करना जरूरी है। फैक्ट्री में भड़की आग, 4 कामगार झुलसे, करोड़ों की संपत्ति राख। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी के सनसिटी मार्ग पर कैनूला बनाने वाली हरसोरिया हेल्थ केयर कंपनी में अचानक आग लगने से 4 कामगार झुलस गए। कंपनी में करोड़ों रुपए का कच्चा माल जलकर खाक हो गया। ये घटना सोमवार दोपहर बाद 2:15 की है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। आग कंपनी के बेसमेंट में लगी। उस दौरान 2 दर्जन कर्मचारी काम कर रहे थे। झुलसे 4 कामगारों को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद PGI रेफर कर दिया गया। हिमाचल के बैंक में अब 4 बजे तक होगी पब्लिक डीलिंग। हिमाचल प्रदेश में अब सभी बैंक्स में शाम 5 बजे बंद होंगे। पब्लिक डीलिंग शाम 4 बजे तक होगी। सोमवार को सभी बैंक प्रतिनिधियों और वित्त महकमे से चर्चा करने के बाद राज्य स्तरीय बैंकर समिति ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं। गौर हो कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बैंक ने 26 अप्रैल को समय सारणी में बदलाव किया था। इसमें बैंक शाम 4 बजे तक खुल रहे थे और दोपहर 2 बजे तक पब्लिक डीलिंग होती थी। अब फिर से पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। 17 साल के किशोर ने बेल्ट का फंदा लगाकर की आत्महत्या। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन शहर के अमरपुर मोहल्ले में 17 साल के किशोर ने बेल्ट का फंदा लगाकर जान दे दी। घटना सोमवार सुबह की है। सदर पुलिस को सूचना मिली कि अमरपुर मोहल्ले के शिवपुरी रोड पर ट्रांसफार्मर के नजदीक एक लड़का बेल्ट के फंदे से लटका है।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की शिनाख्त प्रथम उर्फ पीयूष पुत्र नाथू सिंह के तौर पर की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नाहन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। राजेंद्र गर्ग बोले, सरसों तेल पर सब्सिडी देकर कम किए जाएंगे दाम। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की देखरेख में सभी विकासात्मक कार्यों को गति मिली है। आज से 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो दालों के रेट 150 के पार थे, लेकिन आज पूरे देश में महामारी जैसे हाल में भी दालों के रेट 100 रुपए से कम है, तब भी विपक्ष महंगाई का राग अलाप रही है। HBU ने जारी किया 5 BTECH कोर्सेज का शेड्यूल, कब खुलेगा पोर्टल। HBU ने यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शैक्षणिक सत्र में 5 BTECH कोर्स में प्रवेश का शेड्यूल जारी कर दिया। इसके तहत 15 जून से एडमिशन पोर्टल को खोल दिया जाएगा। ये प्रक्रिया 15 जून से 10 जुलाई तक चलेगी। सरकार के निर्देशों के मुताबिक पहली बार इन 5 कोर्सों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 6 सीट आरक्षित होंगी, जो तय 60 सीटों के अलावा होंगी। पात्र अभ्यर्थी के न मिलने पर सीट खाली रहेंगी, इसकी मेरिट अलग से बनेगी। संस्थान AICTE के निर्देशों के मुताबिक हर कोर्स में 2 सीटें मेरिटोरियस छात्राओं के लिए, 3 सीटें 2.5 लाख से कम पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए और सभी दिव्यांगों के लिए मुफ्त में कोर्स करने की अलग से सुविधा देता है। इन 5 पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों को करना होगा ऐसा, नहीं तो हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से जूनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट कोड 807 और असिस्टेंट प्रोग्रामर पोस्ट कोड 781 के पद भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। पोस्ट कोड 807 के 3 पद भरने के लिए 18 जून 2020 और पोस्ट 721 का 1 पद भरने के लिए 2 मार्च 2020 को विज्ञापन जारी किया था। इन पदों के लिए काफी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट कोड 807 के पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा 18 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी। वही असिस्टेंट प्रोग्रामर पोस्ट कोड 781 की परीक्षा 17 जनवरी 2021 को हुई थी। अब जूनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट कोड 807 के 31 और असिस्टेंट प्रोग्रामर पोस्ट कोड 781 के 10 अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पर खतरे की तलवार लटक गई है। इन अभ्यर्थियों को जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे, तभी इनकी उम्मीदवारी बच सकती है। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने अभ्यर्थियों को अपनी उम्मीदवारी बचाने के लिए एक और मौका देने का फैसला किया। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर बताए दस्तावेज जमा करवाने के लिए 1 सप्ताह का वक्त दिया है। ये अभ्यर्थी 22 जून तक जरूरी दस्तावेज आयोग की ईमेल ssb.hp@nic.in पर भेज सकते हैं। राठौर की माता के निधन पर शाहपुर कांग्रेस ने जताया दुख, महंगाई को लेकर निकाली साइकिल रैली। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की माता के आकस्मिक निधन पर प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल पठानिया सहित ब्लॉक कांग्रेस शाहपुर और शाहपुर कांग्रेस के सभी अग्रिम संगठनों के पदाधिकारियों ने गहरा दुख व्यक्त किया और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। केलांग तक इलेक्ट्रिक बस में सफर कर पाएंगे सैलानी, ट्रायल सफल। अटल टनल रोहतांग और लाहौल वासियों के लिए नई सौगात लेकर आई है। मनाली से केलांग के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। इसमें स्थानीय लोगों के साथ सैलानी भी आरामदायक सफर का लुत्फ उठा सकेंगे। सोमवार को पथ परिवहन निगम के MD संदीप कुमार ने बस को हरी झंडी दिखाकर ट्रायल के लिए रवाना किया। शिमला धर्मशाला में झमाझम बरसे बादल, प्रदेश में 20 जून तक मौसम खराब। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून पहुंचने के दूसरे दिन सोमवार को शिमला और धर्मशाला में झमाझम बारिश हुई। सोमवार को प्रदेश में मौसम मिला जुला रहा, दोपहर बाद कई जिलों में बादल बरसे। अधिकतम तापमान में सामान्य से 4 डिग्री की कमी रिकॉर्ड हुई। 15 से 17 जून तक प्रदेश में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ। तो ये थी आपके राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरें। उम्मीद करते हैं आपको खबरें जरूर पसंद आई होंगी। अगर आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।